हाय एवरीवन, मैं मंजू बैद, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मस्त मस्त मसाला रसोई में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही रिफ्रेशिंग और सुपर टेस्टी ऑरेंज केक की रेसिपी आप सभी के साथ। इसे हम तैयार करेंगे ऑरेंज जेस्ट। हमने ले लिया है ऑरेंज और इसे हम ग्रेट करेंगे। इसे कद्दूकस करते हुए इस बात का ध्यान रखना है ऑरेंज वाला पोर्शन ही ग्रेट करना है, इसके अंदर जो वाइट वाला पोर्शन है उसे ग्रेट नहीं करना है क्योंकि वो कड़वा होता है। ऑरेंज के छिलके ग्रेट करने से ऑरेंज जेस्ट बन जाएगा। ऑरेंज जेस्ट को साइड में रख देते हैं। ऑरेंज को हम काट कर इसका रस निकाल लेते हैं। एक बाउल में हम ऑरेंज जूस को अभी छान लेंगे। ऑरेंज जूस जब हमें केक बनाना हो उसी समय बनाएंगे। ऑरेंज जूस ज़्यादा देर रखने से जूस का टेस्ट कड़वा हो जाता है। ऑरेंज का जूस बनकर तैयार है। अब हम ले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। मिक्सिंग बाउल में आधा कटोरी जूस, एक कटोरी पिसी हुई चीनी, चीनी को हम छान लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे लगभग 3-4 मिनट तक मिक्स करेंगे। यह बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कटोरी तेल। इसे भी मिक्स कर लेंगे। दो कप मैदा को छान लेंगे। आपको वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आधा कटोरी मिल्क पाउडर, 2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। अब इन सारी चीज़ों को बाउल में छान लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते करते यह मिक्सचर गाढ़ा हो जाएगा। केक बनाने के लिए मैंने ले लिया है केक टिन। इसे हम घी से ग्रीस कर लेंगे। केक टिन को घी से ग्रीस करने के बाद मैदे से डस्ट कर लेंगे। तो इसमें ऐड कर देंगे दूध। दूध नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। दूध ऐड करके हम एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। इन चीज़ों को मिक्स करने के साथ ही इसमें हम डालेंगे 4-5 बूंद ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ऐड करेंगे ऑरेंज जेस्ट। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके लम्स फ्री व स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। इस बैटर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम केक टिन को टेप कर लेंगे। तंदूर को मैंने प्री हीट कर लिया है। अब हम ढक्कन को हटाएंगे और इसमें केक टिन को बेक होने के लिए रख देंगे। अब वापस ढक्कन लगा देंगे। 45-50 मिनट तक हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे। 50 मिनट के बाद केक बेक हो गई है। अब इसे टूथपिक डालकर देखेंगे। देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, यानी हमारी केक बनके तैयार है। केक को केक टिन से निकालकर प्लेट में डाल देंगे। यह देखिए केक कितनी सॉफ्ट बनी है। यह देखिए केक स्पंजी और कितनी सॉफ्ट बनी है। तैयार है ऑरेंज केक। थैंक यू।